यह इमारत सिख रेजिमेंट द्वारा रक्षित थी। 1857 में इसे बारूदी सुरंग द्वारा उड़ा दिया गया। जिस इमारत के अवशेष आप देख रहे हैं, यह अतीत में रसोई घर हुआ करती थी। ১৮৫৭ के विद्रोह में इसे भी क्षति का सामना करना पड़ा। यह इस परिसर की इकलौती इमारत है जो अवध वास्तुकला के अनुरूप बनाई गई थी। इस इमारत को अवध के नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था, जिसको बाद में मार्क्स टेलर को बेच दिया गया। अवध वास्तुकला से बनी इकलौती इमारत विलायती बेगम की सौतेली बहन असरफुर निशा ने बनवाई। उन्होंने बेगम कोठी के ठीक बगल में एक इमामबाड़े और मस्जिद का निर्माण भी करवाया। असरफुर निशा ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई व एक इमामबाड़ा बनवाया। खूबसूरत इमामबाड़ा नष्ट हो चुका है, लेकिन मस्जिद आज भी सुरक्षित है। इसकी नक्काशी और वास्तुकला सच में बहुत सुंदर है। वैसे तो मस्जिद जर्जर हो चुकी है, मगर उसे लोहे के मजबूत ढांचों में जकड़ दिया गया है ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। ध्वस्त ढांचों में ब्रिगेड मैस भी एक है। ये स्थान सैनिकों के भोजन के लिए बनवाया गया था। जिन अवशेष दीवारों के बीच हम खड़े हैं, यह इमारत है ब्रिगेड मैस। ১৮৫৭ के भीषण विद्रोह में इसे नष्ट कर दिया गया। क्रांति के दौरान ताबड़तोड़ हमलों ने इसे ईंटों के ढांचों में बदल दिया। यह इमारत सिख रेजिमेंट द्वारा रक्षित थी। 1857 में इसे
बारूदी सुरंग द्वारा उड़ा दिया गया। यहाँ कई जर्जर स्थल मौजूद हैं, जिनमें एंडरसन पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, सोगो हाउस, ओमने हाउस, इनके अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। इस परिसर में छोटी बड़ी इमारतों के अन्य अवशेष भी मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह स्थान मार्टिनियर पोस्ट है। 1857 के बारूदी सुरंग हमले के द्वारा इसे भी क्षति पहुंची। जब यहां पर हमला हुआ तो इस स्कूल के 50 बच्चे व शिक्षक भी मौजूद थे। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यह उत्खनित स्थल है। इसकी खुदाई 2001 से 2005 तक हुई थी। खुदाई के दौरान मिले अवशेष रेजिडेंसी की स्थापत्य कला व विभिन्न प्रबंधनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यहाँ की खुदाई से अंग्रेजी शासकों के रहन सहन व जीवन शैली का पता चलता है। अभी बहुत कुछ बाकी है रेजिडेंसी में। देखते रहिए हमारी सीरीज। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।